ॐ जय कृष्णाय नमः जगतारक है चरणों में नमो नमः ॐ जय गुरुदेवाय नमः भक्त वत्सल कृपालु कृपा है करते स्वामी कृपा है करते झोलियां है भरते ओम जय गुरुदेवाय नमः। इस बीच हम लोग अब देखते हैं हनुमान का उद्यम। अब यहां की चर्चा देख करके देखते हैं हनुमान वहां जो है 4 महीना हो गया, वर्षा काल समाप्त हो रहा है, लेकिन सुग्रीव समाचार नहीं पूछा, जबकि वो पहले कहा था आप लोगों को बताया अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति सब तजे भजन करहूं दिन राति। वह इतने काम के दलदल में फंस गया, वासना के दलदल में फंस गया कि इधर सूरत भी नहीं ला रहा है। और किसी भी भक्त को जब दीक्षा दी जाती है, मैं बोल चुका था, जब उसके मूलाधार चक्र कंपित होता है तो सबसे पहले उसकी जो है काम वासना भड़क उठती है, भड़कती है तो उसे बिल्कुल गुरु के सानिध्य में रहना श्रेयकर होता है, लेकिन यह नहीं किया, यह उसके साथ उल्टा हुआ। लक्ष्मण जान गया, उधर इस मान बात उठते ही हनुमान जी भी वहां जान गए किष्किंधा में, और हनुमान जी तुरंत जाकर के विभीषण से कहते हैं कि देखो 4 महीना बीत गया, वर्षा काल बीत गया, 4 महीने में आप किसी भी तरह से भगवान राम का आपने जाकर न देखा न सुना न समाचार लिया, यह बड़ा घातक है। और यह बात कर ही रहे हैं, समझा ही रहे हैं, तब कह रहे हैं कि तब मैं क्या करूं सुग्रीव। सुग्रीव कह रहे हैं मैं क्या करूं, मैं तो भूल गया था। तुरंत कहते हैं कि सब बंदरों को बुलाओ और सबको जगह जगह विभिन्न दिशाओं में भेजो, आदेश करो। तब तक से लक्ष्मण आधम के और उस किष्किंधा में आधम के, और उन्होंने घोषणा कर दी सुग्रीव तुम नीच पतित और अधम हो, जिस रास्ते से बाली गया है उसी रास्ते से मैं तुझे भी भेज दूंगा। तुमने मित्रता का स्वांग रचा, तुम कहा कि अब जो हम तुरंत खोज में लग जाएंगे, और 4 महीना तक तुम शुद्धि भी नहीं लिया सुग्रीव। इस बीच में सुग्रीव भय से नहीं निकले और उन्होंने अपनी भाभी तारा को और अंगद को भेजा। तारा और अंगद आकर के लक्ष्मण से मिले, लक्ष्मण का क्रोध शांत हुआ। हनुमान जी भी आए और कहे कि नहीं, हम लोग उद्यम में लग गए हैं, और सब बांदर फौज के लेकर के प्रभु श्री राम के फटिक शिला पर आया। फटिक शिला बहुत बड़ा शिला अभी भी है, वहां पर अभी भी 2-4-5 हजार आदमी बैठने का जगह है, हालांकि पुरातत्व विभाग उसको दखल कर लिया है, इसलिए बड़ा जीर्ण शीर्ण दयनीय स्थिति है। साथ ही जो इनकी राजधानी थी बाली और सुग्रीव की, वह छिप्रा नदी के तट पर है यह, और यहाँ के भारत के कोई साधु सन्यासी या किसी की भी अभी उधर ध्यान नहीं करे जा रही। हम लोग देख कर बड़ा दुखी हुए, जो पौराणिक जगह है तुम उसको ठीक भी नहीं रख सकते हो तो दूसरा इंक्रोचमेंट कैसे कर रहा है। भगवान राम के यहाँ पहुँचे और इन लोगों के सब हुआ कि 15 दिन का टाइम दिया गया है, 15 दिन में सभी लोग बंदर आ जाए यहां और इन लोगों को जगह जगह भेज दिया जाए। यह जो जो आप लोग रामायण जानते हैं उसको हम नहीं, उस प्रसंग की ज्यादा चर्चाएं हम नहीं करते हैं, आप लोग जानते ही हो, इसलिए उसको पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते हैं। जब सभी लोग आ गए और राम सबको सब दिशाओं में भेज दिया गया, लेकिन अंगद को, जामवंत को, हनुमान को और कुछ गणमान लोगों को दक्षिण दिशा में लंका की तरफ भेजा गया। भगवान राम हनुमान को ही अपना प्रिय समझ करके अपनी अंगूठी मुद्रिका दिए, तुम जानकी से मिलना, यह मुद्रिका अपना परिचय में देना। और मुद्रिका एक टेस्ट भी था, जो मैं बताया कि औरतों को थोड़ा सोने के प्रति आकर्षण रह जाता है, सीता को सोने के प्रति आकर्षण था, इसलिए स्वर्ण मृग उन्होंने चुना और स्वर्ण मृग जो है सोने के लंका तक पहुंचाया।
इसलिए भगवान टेस्ट रहना चाहते थे, यह सोने का मुद्रिका ले जाओ और सोने की मुद्रिका के प्रति यदि उसका अभी भी लगाव होगा तब तो हमारी अभी कोई जरूरत नहीं होगी ना, सोना तो सोने के लंका तक पहुंचा ही देगा। इसलिए भी सोने की मुद्रिका उन्होंने दिया कि सोना से पुनः मैं भी टेस्ट कर लूं। यह जब लेकर चले, रास्ते में बड़ा कष्ट हुआ खाने पीने का। खैर एक जगह लोग देख रहे हैं कि बीवर गुफा, यह ध्यान समझने वाला है कि बीवर गुफा से कोई पक्षियां निकल रही है और उस गुफा में ही हनुमान जी इंगित किए कि हम लोग चले वहां कुछ खाने पीने को मिल सकता है, जल पीने को जल और खाने को। हालांकि उस पर अंगद ने और सब लोगों ने टॉन्ट भी किया है आकि तुम क्या चाहते हो, पक्षियां वहां अन्न का ढेर रखी है, पक्षियां तो कीड़े मकोड़े भी खा लेती है ना, क्या हम लोग भी कीड़े मकोड़े खाकर जीवित रह जाएं? तुम कहते हो पुरुषार्थ करो, यहां पर क्या पुरुषार्थ करें, ये जो बबूल के पेड़ हैं इनको आम बना दें, जो देखो यह चारों तरफ होता है एक तरह के टंट करने का, तो जितने आदमी जितने लोग होते हैं उतने तरह के होते हैं, लेकिन भक्त एक ही होता है जिसकी पूर्ण श्रद्धा होती है। इसमें भक्त जो हैं मात्र हनुमान और जामवंत हैं, इसलिए हनुमान जी की समर्थन जामवंत कह रहे हैं कि नहीं हनुमान जी जो कह रहे हैं उधर चलो। हनुमान जी धीरे धीरे उस बीबर में बढ़ते हैं जिधर से पक्षियां आ रही थी और अपना आगे चल रहे हैं, सबको अपना हाथ एक दूसरे को पकड़ कर जा रहे हैं, जहां एक मोड़ पड़ता है और मोड़ पड़ने के बाद कुछ प्रकाश दिखाई पड़ता है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक मंदिर भी है और वहां तालाब भी है, सुंदर जल स्वच्छ है और बहुत वृक्ष जो है फल फूल से नदे हैं। उस औरत से जब बात करते हैं तो वह कहती है कि मेरा नाम स्वयं प्रभा है, आप लोग प्रभु के काम से निकले हैं इसलिए यहाँ विश्राम कीजिए, फल फूल खाइए और पानी पीजिए। ये लोग सब खा करके संतुष्ट हो जाते हैं, कहते हैं कि हे भाई हनुमान, आप प्रभु के काम से निकले हो, आप जाना चाहते हो, तो देखो मैं यहाँ से जानकी के यहाँ तो नहीं भेज सकती हूँ, लेकिन समुद्र तट पर मैं भेज देती हूँ, वहाँ से मैं देख रही हूँ कि जानकी लंका में है। अब इस बात को ध्यान कीजिए, जब साधक भक्ति की जब प्रकोप भक्ति जब ऊपर चलती है तब कहते हैं कि अंधेरा दिखाई पड़ रहा था और जहां से मूर्ता है वहां से प्रकाश दिखाई पड़ने लगा और तालाब दिखाई पड़ने लगा। भगवान शंकर भी भैरव तंत्र में कहते हैं स्वर जब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, जहां मुड़ता है वहां अवधान उपस्थित कर दो पार्वती, और अवधान जब उपस्थित कर देते हो तो तुम समाधि में प्रवेश कर जाती है। इसकी हमने व्याख्या शिव तंत्र में किया है, इसलिए पुनः कई बार मैं बता चुका हूं, नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आप लोगों का ध्यान मैं आकृष्ट इधर करना चाहता हूं। देखो तुलसीदास ने जगह जगह साधना की गुप्त रहस्य को छिपा दिया है और कथा के माध्यम से हम लोग केवल कथा कहकर और पुण्य पाप के चक्कर में पड़कर रह जाते हैं। पुण्य पाप के चक्कर से जब तक से निकलेंगे नहीं तब तक से हमारी साधना नहीं होगी। असल वह बात यह है कि जब तुम ऊपर की तरफ बढ़ते हो, भंवर गुफा की तरफ चलते हो, भंवर गुफा जो वह छिद्र है, जब ऊपर से चलते हो भंवर गुफा के ऊपर ही मान सरोवर वह तालाब है जिससे वह झरझर करके अमृत तुम्हारे उम्र में बरसता रहता है, जिसको हमने बताया था कि विश्वामित्र ने उनको बला और अति बला विद्या यानी खेचरी मुद्रा करके दिया, महाकठिन खेचरी मुद्रा जोगी जन की मातरी। आप लोगों को मैं बताता हूँ खेचरी मुद्रा कैसे होगा, और वही जो है उस तला वहाँ का अमरनाथ से पानी वह आता है और जब तुम उसको पीते हो तो तुम संतुष्ट हो जाते हो, और जब मुड़ते हो तुम्हारा भी जब श्वास ऊपर की तरफ चलता है जहां से मुड़ता है वही गुफा है, और मुड़ने के बाद वहां आत्मा का प्रकाश दिखाई पड़ता है और स्वयं प्रभा, और मंदिर में कोई और नहीं है, स्वयं प्रभा भी स्त्रीलिंग है, आत्मा भी स्त्रीलिंग है, वह स्वयं प्रभा ही आत्मा है। जब भक्त आत्मा को साकार कर लेता है तब वह जो है आनंद से आह्लादित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। यहां भक्त थे मात्र हनुमान और जामवंत।
ये दोनों जो इन दोनों ने ही अपने माध्यम से और लोगों को ले गया है। जब तुम्हारा संसर्ग अच्छे लोगों से होता है तुम अच्छे रास्ता पकड़ लेते हो, बुरे से होता है तो बुरा पकड़ लेते हो। इसलिए दो भक्तों के माध्यम से ये सब लोग ही वहां समाधि को प्राप्त हो गए और उस अनंत जोग को प्राप्त हो गए। जब तुम समाधि में पहुंच जाते हो और तुम जो सोचते हो वही हो जाता है। इसलिए वो लोग समाधि में जब वहां पहुंचे हैं स्वयं प्रभा में अपने आत्मपद में सोचते हैं कि हम समुद्र पद के नजदीक चले जाएं, समुद्र पर निकल उठ गए। फिर तुम लोग कहे कि नहीं गुरुजी यह संभव नहीं है, इसका अपना नहीं, लेकिन तुम ही लोगों का उदाहरण बता देता हूं। विवेकानंद काली घाट में जहां रहते थे एक बुद्धदेव नाम का ब्राह्मण रहता था जो बहुत सारी मूर्तियां रखा था। सुबह से शाम तक मूर्तियों की पूजा करते करते थक जाता था। उस घर में उसको रखने का जगह नहीं था भट्टाचार्य को, और वह खाने का भी समय नहीं था क्योंकि हजार मूर्तियों का हजार पूजा, और वर्षा काल में भीजता था। एक दिन विवेकानंद ने कहा, भट्टाचार्य तुम वृद्ध हो गए, तीन मूर्तियों को उठाओ और गंगा जी में डाल दो। बड़ा क्षुब्ध हुआ। इतना ही नहीं क्षुब्ध हुआ, तुरंत जो है जाके इनके गुरु रामकृष्ण प्रभन से शिकायत किया कि आपका ये भगत जो है लड़का नया नया आया है, देखने में सुंदर है अंदर से बड़ा काला है। यह लड़का जो है कहता है रोज हमको संदेश देता है कि मूर्तियों को फेंक दीजिए गंगा में, बताइए यही हिंदू है, ये भगत है, ये मूर्ख को क्यों रखे यहां से। बहुत रामकृष्ण समझ गए, विवेकानंद को बुलाए, कहा कि तुम क्यों ऐसा करता है बार बार। कहे कि प्रभु हम देखते हैं कि इसे रहने में बड़ा कष्ट होता है, अपने लिए रहने का जगह भी नहीं है, वर्षा में भीजते रहता है, इसको खाने पीने का भी समय नहीं है, जानता कुछ नहीं है, कखा ही जानता है। हम सोचे कि अब इसको हम ध्यान के मार्ग पर ले चलें। रामकृष्ण प्रभन से कहे कि देखो यह इसका जन्म आगे चला जाएगा, यहाँ पर यह केजी ही क्लास का है, बच्चा ही क्लास का है, यदि तुम मूर्तियाँ इसे छीन लेगा आत्महत्या कर लेगा और यह प्रेत लोक में चला जाएगा, इसलिए तुम ऐसा मत करो बेटा, पहले तुम किसी को समझ लो कि किस कौन किस क्लास में है, उसको उसी क्लास का शिक्षा तुमको लेना चाहिए, अन्यथा तुम पर जो मैं अभी व्यवहारिक रूप से उतार रहा हूँ वह बड़ा घातक हो जाएगा, तुम सबको ध्यान में ही ले जाएगा, तो सबको समाधि में ही ले जाएगा, इसलिए जो जहां अभी जुटा है रहने दो। तुम नहीं जानते हो मैं भी इस मूर्ति के प्रति ही आकर्षित था, और मूर्ति की जब कोई राम कहता था तो रास सुनते ही मैं समाधि में चला जाता था, गिर जाता था, और काली से मैं बात करता था। एक दिन मैं काली से बात ही कर रहा था कि तब तक से पंजाब के एक महात्मा तोतापुरी जी आ गए और वे गंगा सागर की यात्रा पर जा रहे थे, गंगा के तट पर बैठे थे और हमको माँ काली से बात करते हुए देखे। तब जब मैं पूजा से उठा हमको अपने तरफ बुलाए, कहे कि रामकृष्ण अच्छे भगत हो लेकिन कहाँ फंस गए हो, हमसे ना बात किया उस मूर्ति से बात किया, अंतर क्या पड़ रहा है, क्या अंतर है, किसी औरत से नहीं बात करके उस काली मां से बात किया, अंतर क्या पड़ रहा है। लेकिन तुम तो थोड़ा सा जगत से उठकर भाव साधना में आ गया है ना, कि मैंने दूसरे एक क्लास से आकर दूसरे क्लास में अटक गया है, क्या तुम चाहते हो कि दूसरे क्लास में अपने जीवन को छोड़ दें, तुम दया के पात्र हो। तो कहा कि मैं तो तुरंत समझ लिया कि मेरा गुरु मिल गया और मैं उनके पैरों में लौट गया, गुरुदेव मुझे इसे मुक्त करिए। कहा कि तुम ज्ञान के तलवार लो, मां काली को खंड खंड काट दो। कहा कि यह संभव नहीं है, मैं इतने कारुणा हो गया हूं कि मां काली को काट नहीं सकता हूं, ज्ञान का खड़ग नहीं पकड़ सकता हूं। कहा चल मेरे सामने बैठ, और वह आवेश में तोतापुरी मेरे अपने सामने बैठाए, और एक दिन दो दिन, लेकिन मेरा जब मैं बैठाते काली का ध्यान होता मां काली प्रकट हो जाती। तुम नहीं जानते हो विवेकानंद, मैं एक दिन गंगा में स्नान कर रहा था लेकिन मैं सोचा कि कृष्ण बड़ा बदमाश है, यह जो है महाभारत करा कर सबको मरा मार डाला, यदि मिलता तो मैं बहुत मार मारता ना। कृष्ण जल में उपस्थित हो गया, मैं थप्पड़ से पिटने लगा, कोई कहा कि क्या कर रहे हैं गुरुदेव, कृष्ण को मार रहे हैं, क्या आपको हो गया। तो मुझे भान आया, अरे यार मैं तो बड़ा गलती किया, परमात्मा को मार रहा हूं। फिर मैं रोने लगा,
तो देखो हमारी भावनाएं इतनी प्रबल थी, जिसकी मैं भावना करता वह प्रकट होने लगता था। तोतापुरी ने पकड़ लिया और तोतापुरी जब मुझे ज्ञान दिया, त्रिकुटी संगम झलकत हीरा, चरण चित्त रह कबीरा, तुलसीदास भी इशारा किए हैं उस बात को, परम प्रकाश जले दिन राती, न चाहिए दीप घृत रुबाती। लेकिन उस तरह का गुरु जब उपलब्ध होता है तब न बेटा, और वे उपलब्ध हुए और जब हम वह महामंत्र दिए, महामंत्र जपत में महामंत्र जब दिए परम लघु, तब उस मंत्र को हमने श्वास पर प्रयोग किया, तब पर भी चलने लगा, थोड़ा मन तो रुका लेकिन नहीं रुका। तब स्वामी जी ने एक कांच का शीशा लिया टुकड़ा और यहाँ छेद करने लगे, जब छेद करने लगे तो यहाँ से खून निकला, जब खून निकलेगा तो दर्द हुआ, तब मेरा ध्यान यहाँ चला गया, जब ध्यान यहाँ गया तो मेरी वृत्तियां तो एकंद्रित हो ही गई थी, मैं समाधि में चला गया। जब तब लोगों ने कहा क्या हमने नहीं, अब वह तोतापुरी ने कहा छोड़ दो समाधि में 24 घंटा के लिए, मैं नहीं इसका गुरु हूं। 24 घंटा के बाद पुनः मैं समाधि से निकला तो रोने लगा कि हे प्रभु आप कहाँ थे, हमको इसी अवस्था में रहने दीजिए। कहा कि देखो हमको कितने पापड़ बेल कर आना पड़ा विवेकानंद, तुम अभी ये चाहता है इसको। तब कहे कि अब विवेकानंद कहे कि अब हम नहीं करेंगे, किसी का हाथ जोड़ते हैं। तब उनको ध्यान से समाधि की कला जो जानते थे पुनः उनको बैठाए विवेकानंद को। हम भी तुम लोगों क्लास जब लेने लगते हैं समाधि का, सबको सबका सम्मत नहीं है। हिमालय पर हम 3 खेप में लिए थे 23-23 आदमी का, अभी दिल्ली में भी लिए थे 3 ट्रिप में, यहां पर अभी लोग महाराष्ट्र के आए थे, कहते थे ठीक है लोगों का आने पर मैं लूंगा क्लास। वह भी एक टेक्निक है कैसे तुम उतर जाएगा समाधि में। जो जान गया, जो साइकिल चलाना जान गया है, जो कार चलाना जान गया है, वह समझता है कि उसके लिए कुछ नहीं है, वह टेक्निक है, उस टेक्निक से तू कर लेगा, अन्यथा तुम तो पाठ पुराण हवन कर्मकांड करते ही रह जाएगा। यह भी एक विधि है लेकिन उस पद को नहीं पहुंचता है जो परम पद है। मैं भुवनेश्वर कुमार चौरसिया बदईपुर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश में लैब असिस्टेंट के पद पर सोनभद्र जिला में कार्यरत हूँ। मैं काफ़ी समय से परेशान था, ध्यान नहीं लगता था, साइनस से भी परेशान था। कुंभ स्नान के बाद गुरुदेव डोमरी वाराणसी आश्रम में आए थे, उनका दर्शन हुआ। मैंने उनसे कहा कि आप गुरुदेव आपके संकल्पों को मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ मुझे, तो गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और कहा कि आप साधना स्वर साधना के लिए 6 दिन की छुट्टी लेकर आएँ। तो उन्हीं के आशीर्वाद से मैं, उनके आदेश से मैं दिल्ली आश्रम आया और स्वर साधना किया। प्रारंभ में स्वर साधना में हमें मौन धारण करने के लिए कहा गया, मौन धारण करने का प्रयास किया, परंतु अंतर्मन विचारों से भरा था, वो शांत नहीं रहा। फिर गुरुदेव ने बताया कि ये समझाया और बताया कि ये मन का प्रकृति नेचर है। फिर उन्होंने बहुत सारे अन्य स्वर साधना के बहुत सारी पद्धतियाँ बताएं, जिसमें मुझे प्राणिक साधना का अनुभव हो रहा है कि प्राणिक साधना में गुरुदेव ने दिखाया कि इसमें दिव्य ऊर्जा विभिन्न चक्रों से एक सर्कल बनाता है, जो मुझे ज्योतिर्लिंग जैसा आभास कराया। ये मेरे लिए एक आश्चर्य की बात थी, जो मुझे ऐसा पहले कभी आभास नहीं हुआ था। तो मुझे लगा कि मेरे अंदर की पूरी रोग व्याध सब दूर हो गया है और पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया है। परमपिता परमात्मा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दिया, और ये जो है गुरुदेव को भी बहुत बहुत जो है सादर नमन है। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का भीलवाड़ा कार्यक्रम दिनांक 29 व 30 जून को सुवालका ट्रस्ट आजाद नगर भीलवाड़ा में पूज्य सद्गुरुदेव का 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव जी का दिव्य प्रवचन एवं साधकों और विद्यार्थियों हेतु शिव कीर्तन और बुद्धि कौशल साधना का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। 30 जून दिन रविवार को शाम 5 बजे पूज्य सद्गुरुदेव
ब्रह्म दीक्षा प्रदान करेंगे। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं।